हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। स्वागत है आपका एक और रिव्यू वीडियो में। ZSTRR आज हम बात करना चाहते हैं दो सबसे बड़े रिलीज में जो आज सबसे बड़ा क्लैश हुआ। एक तरफ ओ माय गॉड 2, दूसरी तरफ गदर 2। दोनों ही बहुत बड़े सिक्वल हैं जो अपने अपने टाइम में अपने अपने पार्ट वन में काफ़ी गहरा छाप छोड़ चुका है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उसी के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। अगर आप मुझे देख के परेशान है कि मैं क्या घर में चश्मा लगा के बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मुझे आई फ्लो हुआ है। सो मैं इसको पहन के रहता हूँ क्योंकि ये बहुत जलता है, हवा हवा नहीं, ये हेल्थ वीडियो नहीं। पर प्लीज़ कंडक्ट दिस चश्मा क्योंकि ये बहुत तेज़ी में फैल रहा है। एंड दिस इज माय लुक एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स नॉट। बात करना चाहता हूँ इस रिव्यू वीडियो में पहले गदर 2। गदर 2 की मैं बात इसके लिए करना चाहता हूँ, एक इंग्लिश में कोट है कि नेवर जज एनी बुक बाय हिज कवर, सो नेवर जज अ मूवी बाय हिज 2:48 ट्रेलर। जी हाँ, मैं गलत साबित हुआ हूँ, हर एक पार्ट में गलत साबित हुआ। इस पे एक रिव्यू पे बात करूँगा। तो वेलकम, बात कर रहे हैं गदर 2 के, जिसमें है सनी देओल एज ए तारा सिंह, सकीना एज ए अमीषा पटेल, जी हाँ यस, उत्कर्ष शर्मा एज अ जीते जितेंद्र सिंह, ठीक है, और उसमें मनीष वांधवा एज ए विलन, और उसमें एक डेब्यू कवर कर रही हैं सिमरजीत सिंह नोन एज मुस्कान, यस वेरी ब्यूटीफुल, उसके ऊपर बात करूँगा। पहली बात करना चाहते हो मूवी का फर्स्ट हाफ। मूवी का फर्स्ट हाफ वॉज लाइक सटायर, मतलब कि बैठा रही है चीज़ों को, वो नॉस्टैल्जिया हिट करा रही है। जब सनी देओल आते हैं, वो जब उतरते हैं तो उनको भी रिमेम्बराइज हो रहे हैं अपने एक चीज़ें। फिर उसके बाद वो पूरा बैक स्टोरी दिखाते हैं अशरफ अली और इनका इंसिडेंट। हाँ, जिन्होंने नहीं मूवी देखा है तो वो हाईलाइट्स में दिख जाएगा आपको, एपिसोड की तरह उसको दिखा देंगे, रिकैप हो जाएगा। मूवी का फर्स्ट हाफ इतना ऐसा है कि एकदम ब्लॉकबस्टर नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ ये हिट साबित होगा, हिट एंड हिट साबित होगा, हिट मेरा वादा है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को जिस तरह से पसंद आया है, जिस तरह से उन्होंने सीटियाँ तालियाँ सीट पीटी है, भारत माता की जय का जयकारा लगाया भाई साहब इस मूवी में, कसम से कह रहा हूँ बहुत गूज़बम था। फर्स्ट हाफ में मूवी में गाने हैं 5-6 गाने हैं, पर स्टार्टिंग के जो 2 गाने हैं वो नॉस्टैल्जिया को इतना हिट करता है, इतना क्रेजी इंपैक्ट डालता है, क्योंकि घर आ जा परदेसी और वो मैं निकला गाड़ी लेके, वो गड्डी लेके गाड़ी पंजाबी को सॉरी, इन दोनों गाने को बहुत अच्छे से म्यूजिक किया, इंस्ट्रूमेंट इसके बहुत प्यारे हैं, हिट बहुत क्रेजी दे रहा है, ओके। और बात करना चाहते हैं इस मूवी का जो प्लॉट है, जो इस मूवी की कहानी है, कि तारा सिंह नोन एज द भारत का पुत्र जो देश के लिए अपनी जान भी दे देगा, हम सकीना की बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, जान मतलब अपने दिल का जान, ठीक है। और दूसरी तरफ उनका बेटा जो उत्कर्ष शर्मा नोन एज चित्ते, उनको एक्टर बनना है, पर एज ए ऑल ही इज़ अ फैमिली लवेबल बॉय, जिसको तारा चाहता है कि वो अच्छे से पढ़े, मन लगाए, हमारे जैसे यूट्यूब ना स्टार्ट करे, तो वो चाहता है मेहनत करे, ठीक है, और वो चीते करता है, भले वो क्या पढ़े किसके चक्कर में पढ़े, वो इस मूवी में आप जाओ देखो मज़ा आएगा। फर्स्ट हाफ की मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट हाफ में ऐसे ऐसे सीन होते हैं, गाने काफ़ी आते हैं, इमोशनल राइड होता है, पर एक क्लाइमैक्स एक इंटरवल के पहले एक सीन आता है जिसमें इंटरवल को लोग ब्लूम कर देते हैं, कि जब वो जो इसमें मनीष वांधवा नोन एज हामिद अली का, जिन्होंने विलन का कास्ट किया, आपने देखा होगा ट्रेलर में द गाय विथ मुस्टेज, उसको देख के नहीं रखा कोई भी मत बोलना, द गाय विथ मुस्टेज, उन्होंने उस चीज़ को बदला लिया। इस बदले का कॉन्सेप्ट भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि रिमेम्बरिंग ऐसा नहीं लग रहेगा कि खींच रहा है, जिस तरह से हम लोग ट्रेलर देख के गए थे कि मूवी आया है ऐसी लो बजट, मतलब नॉस्टैल्जिया को फालतू का हिट कराने पर ली, इफ़ यू डेयर कि ट्रेलर देख के आप गलत साबित होने वाले हैं। बात करूँगा सेकेंड हाफ में, ओ भाई साहब, हर एक रोंगटे रहने दो, वहाँ जाओ फील करो, गूज़बम्प्स है उस सेकेंड हाफ में जब वो सनी देओल जाता है अपने बेटे के लिए। यस, मैं इंटरवल का क्लाइमेक्स को बीच का सीन नहीं बताऊंगा क्योंकि उस मूवी की जान है वो, मुझे तो बहुत क्रेजी लगा वो कॉन्सेप्ट, जब वो उसको पता चलता है कि क्या इंसिडेंट होता है इस मूवी में, वही उस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। पर सेकंड हाफ इतना गूज़बम्प्स, उसके डायलॉग इतने अच्छे, मतलब वही जो आपने ट्रेलर में सुना होगा कि अगर पाकिस्तान बट जाए तो सारे लोग हिंदुस्तानी आ जाए, पाकिस्तान चीर जाएगा, सीटी ताली हर तरफ बूम बाम मच रही थी भाई, बूम बाम समझ लो, बैंग ऑन मच रहा था,
इंटरवल में तो ये मूवी था ही बहुत तगड़ा, पर इस मूवी में एक क्यूट चीज़ है, मतलब यप, जब मैं बताना चाहता हूँ, स्पॉइलर है तो है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो सीन। जब इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मूवी का था सनी देओल, पर सेकंड सबसे बड़ी बात इस मूवी का है भाई, फर्स्ट पार्ट का सुपर डुपर स्टार कास्ट जो इसमें अनिल शर्मा ने लिया था वो और कोई नहीं, मैं लेजेंड अमरीश पुरी की बात नहीं कर रहा, सकीना मैडम की बात नहीं कर रहा, ये बात है हैंडपम्प की। भाई इसमें एक सीन है जब सनी देओल हैंडपम्प उखाड़ते हो, वो इतना वॉयलेंट हो के भी लोगों की जो, ये सीन आपको याद ही होगा, गीली, यस यस ऐसा हो गया था वो इंटरवल के बाद, इतना प्यारा फनी सीन है, पर एज अ एक्शन के में लोगों को फनी दिला दिया ये मूवी ना, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, सब फोड़ने वाली है। इतना सारा इम्पैक्ट डाल दिया था सनी देओल ने, एक लौता बंदा उसने पूरा स्क्रीन कैप्चर रखा था। फादर सन की बॉन्ड इस मूवी में बहुत अच्छी है, सकीना की अमीषा पटेल एज नोन एज सकीना, उनकी एक्टिंग उतनी है जितनी उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट करी, मतलब उनका सीन उतना ही आता था जितना सेकंड का वो रीले बनाती थी, पर उनका इम्पैक्ट भी है मूवी में क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हुआ है ये सब। अल्ट्रा लेजेंड नो एवरीथिंग, ठीक है, मूवी में काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जाने के बाद होती है, और मूवी की चीज़ें ऐसी हैं कि जब सेकेंड हाफ के जो इंटरवल के बाद जो क्लाइमेक्स के बीच में एक और क्लाइमेक्स आता है, ठीक है, जब उसका जब अपने चीते को पकड़ के लेके जाते हैं, वहाँ पे एक सीन है जब वो इमोशनल टचअप होता है, जहाँ वो इस मूवी के डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस से मिल रहे हैं मुस्कान, जिनका ओरिजिनल नाम है सिमरनजीत सिंह, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक्टिंग किया है उस मूवी में भी, उस सीन में भी, उसमें अरिजीत सिंह के गाना आता है जो बहुत ही क्लोज वार्म मूव लगता है। गाने हैं इस मूवी में पर इतना भी नहीं कि आपका सर पकड़ ले जैसे सूरी के सुनने में हुआ था, पर लेजेंड नोज एवरीथिंग ये मूवी बहुत अच्छी है। सबसे प्लस पॉइंट इस मूवी की है कि ये इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड में रिलीज़ हुई है, जो इस मूवी को धमाकेदार करेगी। लोग उठ उठ के भारत माता का जय जय कर रहे थे, वंदे मातरम कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी रिलीजन को हेट के इस मूवी को बनाया गया है। हेट्स ऑफ अनिल शर्मा, हेट्स ऑफ एवरी स्टार कास्ट, एवरी प्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी ने क्रिएट किया है, ये मूवी रिकॉर्ड बनाने वाली है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉस्टैल्जिया, हम लिटरली हिट किए हैं इस चीज़ को, और मैं थैंक यू सो मच इसके लिए कहना चाहता हूँ सनी देओल को कि भाई उस बंदे में ना वो चिल्ला देना भाई, वो 20,000 के ऊपर का JBL है, उसकी आवाज़ इतनी रोंगटे खड़े कर देती है यार, वो ओए का साउंड ना, मैं ना अपना नोटिफिकेशन बेल रख दूंगा साला, मेरे को वो मोटिवेट कर दिया, वो इतना क्रेजी है ना, मतलब इंटरवल के बाद मूवी सब फोड़ देगी ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, और सबसे बड़ी बात इस रिव्यू को एंड करते करते बोलूँगा, इसमें ऑडियंस आप 10-15 साल के बच्चे से लेकर 87 एज के बुढ़े तक को लेके जाओगे, ये मूवी उनको मज़ा दिला देगा, ये सब एवरेज यूथ के बच्चों के लिए मूवी है, तो प्लीज़ जाओ कल संडे, परसों सैटरडे, कल संडे जो भी दिन आ रहा है जाओ, मज़े मारो उस मूवी को देखो, और इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड के पहले इस मूवी को ख़त्म करो, भारत के लिए प्यार और कहीं नहीं दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस मेकिंग मूवी, अनिल शर्मा, सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा या फिर सकीना मैडम जी, कुछ भी कहते, थैंक यू सो मच। इतना ही है मेरे रिव्यू में, अभी ओ माय गॉड 2 का भी रिव्यू है आने वाला है, ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के ठोके।